The universe, as well as the man, has been created from the five basic elements of nature. These are known as Panch Mahabhutatmak. Panch Mahabhutatmak Tattva element. Yadi Panch Mahabhutatmak. These five elements hold a very important position in a man's life. A human being get all the life, giving the life sustaining energy from these elements of nature. These five basic elements, wind, water, ether, earth and fire. कहने का तात्पर्य है कि ये पांच जो तत्व है, जो पांच बेसिक जो एलिमेंट्स है, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु, इसका हमारे दैनिक जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव है। ये तत्व के इम्बैलेंस होने पे ये भी कहा गया है, गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है अपने क्षितिजल पावक गगन शमीरा पंच रहित या अधम शरीरा, अर्थात जो मीनिंग है, मीनिंग दैट द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप इन द ये पांच महातत्व से, ये पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि से ह्यूमन बॉडी के निर्माण हुई और फिर ये पांच महाभूतात्मक तत्व में ही खत्म हो जाता है। उसी तरह वास्तु में भी ये पांच महाभूतात्मक तत्व का बहुत बड़ा स्थान है। हमारे शरीर के अंदर में भी पांच तत्वों का बहुत बड़ा स्थान है। कहा जाता है कि जो ईथर है, जो आकाश तत्व है, वो हमारे ब्रेन पे अधिकार रखता है। कहाँ पे रखता है? ब्रेन पे अधिकार रखता है, मस्तिष्क पे अधिकार रखता है। फायर जो क्या है, अपने सोल्जर पे स्थान रखता है, सोल्जर। एयर क्या है, अपने नाभि पे, नवल पे अधिकार रखता है। और जो अर्थ है, नी, घुटने, घुटने पे अधिकार रखता है। और वाटर जो है, वाटर एलिमेंट जो है, वो फिट पे अधिकार रखता है, मतलब पैरों पे अधिकार रखता है। अर्थात कहने का मतलब है जो पांच महातत्व है उसका आधिपत्य भी हमारे शरीर के अंदर में है। कहाँ है? आकाश तत्व का अधिकार हमारे ब्रेन पे है, ब्रेन पे है। और अग्नि तत्व का सोल्जर पे, और एयर वायु तत्व का अधिकार अपने नाभि पे है, नेवल पे है। और अर्थ का घुटने पे है, और वाटर का फिट पे, पैरों पे अधिकार है। और इसी तरह पांच जो तत्व है, क्रोमेंसी साइंस का जब हम अध्ययन करते हैं, ये हस्तरेखा का जब अध्ययन करते हैं, हस्तरेखा के बारे में जब जानकारी प्राप्त करते हैं, तो पांच तत्वों के बारे में पता चलता है कि जो जो आकाश तत्व है, जो ईथर एलिमेंट है, ये थंब पे अधिकार है, थंब पे, हमारे अंगूठे पे, अंगूठे पे, ठीक है। ईयर का इंडेक्स फिंगर, ईयर इंडेक्स फिंगर, फायर मिडिल फिंगर, और वाटर रिंग फिंगर, और अर्थ जो है लिटिल फिंगर। ये जो रिलेशन जो है, हार्मोनियस बैलेंस बिटवीन द फाइव एलिमेंट्स विदिन रेसिडेंशियल हाउस, शॉप, हाउस, वर्कशॉप, होटल, गार्डन, या इन द इंडस्ट्रियल या ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स, प्रॉब्लम ऑल राउंड प्रोग्रेस, सक्सेस एंड लॉन्गिविटी। देयर इज फाइव बेसिक एलिमेंट्स, हेंस कंस्ट्रक्शन शुड बी कैरिड आउट मेंटेनिंग ए गुड बैलेंस बिटवीन द फाइव एलिमेंट्स। इन पांच तत्वों में यदि कहीं भी इम्बैलेंस होती है तो हमारे पूरे व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये पांच तत्वों का प्रभाव हमारे शरीर में भी है और हमारे वास्तु में भी है। वास्तु का मतलब जो हमने पिछले क्लासेस में कहा था कि वास्तु वा प्लस अस्तु, अर्थात जहां वी रिसाइड, जहां हम निवास करते हैं उसे वास्तु कहते हैं। और ये फाइव जो एलिमेंट्स है, ये फाइव बेसिक एलिमेंट जो है, इथर, एयर, फायर, वाटर और एंड अर्थ है, ये हार्मोनियस बैलेंस बिटवीन द फाइव एलिमेंट्स विद इन रेसिडेंशियल हाउसेस, शॉप,
ऑफिस, वर्कशॉप, होटल, ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स प्रमोट्स ऑल राउंड प्रोग्रेस, सक्सेस एंड लॉन्गिविटी। अगर ये पांच तत्वों में कहीं इम्बैलेंस बैलेंस नहीं है, समानुपातिक रूप से व्यवस्था सही नहीं है, तो न तो आपकी लॉन्गिविटी अच्छी होगी, न तो आपकी सक्सेस अच्छा होगा, न तो आप अच्छे प्रोग्रेस कर पाएंगे, और न नहीं चाहे वो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हो, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स हो, या रेसिडेंशियल हाउसेज हो, जिसकी चर्चा हम इस क्लासेज में कर रहे हैं, जिसके बारे में हम इसमें चर्चा करते करेंगे, कहीं भी इन पांच जो बेसिक जो एलिमेंट्स है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। इनका इम्बैलेंस होना, इनका अच्छे तरीके से अपने वास्तु में नहीं होना, हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत का सामना देता है, हमें बहुत प्रॉब्लम देता है। अब ये जो पांच बेसिक एलिमेंट्स है, कैसे काम करते हैं, किस हिसाब से काम करते हैं, इस पे थोड़ा सा जो हम चर्चा करेंगे। कहा जाता है कि द ह्यूमन बीइंग गेट्स ऑल हिज लाइफ गिविंग ऑन लाइफ सस्टेनिंग एनर्जी दीज एलिमेंट्स ऑफ नेचर। दीज पंच महाभूतात्मक आर अर्थ, वाटर, विंड, फायर एंड इथर। मैन रिसीव्ड ऑल हिज एक्सटर्नल एनर्जी फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज विच आर सनलाइट, हीट, साउंड, वाटर एंड एयर। हिज इंटरनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर कार्बोहाइड्रेट। जो इंटरनल सोर्सेज हमारे अंदर का है, उसे कैसे सोर्स करते, करते हैं प्रोटीन, सब आपका साउंड कट हो रहा है सर। तो साउंड साउंड ठीक नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही है सर, फ्रीज हो गया आपका कैमरा। पांच जो बेसिक एलिमेंट्स है, सब आपका आपका ऑडियो कट हो गया सर। आप, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, यस सर, जी सर। कुछ होगा बेटा वहां पर। ये कहने का तात्पर्य है कि जो पांच तत्व है, इसका कहीं से भी इम्बैलेंस होना, ये हमारे खराब स्वास्थ्य का एक कारक बन जाता है। इम्बैलेंस बिटवीन दीज एलिमेंट्स गिव्स राइज टू पुअर हेल्थ, लैक ऑफ वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, लैक ऑफ पीस, एंड हमारे शांति को खत्म कर देता है, हमारे मानसिक स्थिति को खराब कर देता है, हमारे स्वास्थ्य को खराब कर देता है, हमारे प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस को खराब कर देता है। ये पांच तत्वों का अपने घरों में भी सही ढंग से उसकी स्थिति हमें बनाकर रखनी है। ये जो पांच बेसिक जो एलिमेंट्स है, जो फाइव एलिमेंट्स है, जिसको पंच महाभूतात्मक तत्व कही जाती है हिंदी में, दिस फाइव एलिमेंट्स आल्सो कंट्रोल द नेचर। ये पूरे नेचर को भी कंट्रोल करता है, पूरे प्रकृति के नियामक शक्तियों को भी व्यवस्थित रखता है। देयर इम्बैलेंस इन नेचर क्रिएट्स स्टॉर्म्स,
तूफान, अर्थ क्यूब, फ्लड्स एंड अदर नेचुरल क्लाइमेटिक्स। ये पांच तत्वों में कहीं अगर इंबैलेंस होता है तो नेचर जो है तूफान के रूप में दिखाई पड़ने लगता है, दुर्घटना घटने लगती है, भूकंप की घटनाओं घटने लगती है, बाढ़ और तूफान जैसे स्थितियां देखने को मिलने लगती है। तो पूरे नेचर को कंट्रोल करने की जो शक्ति है ये पांच तत्वों में है। कौन सा तत्व है? विंड है, वाटर है, ईथर है, फायर है और अर्थ है। ये पांच तत्व हमारे वास्तु में कहाँ कहाँ अधिकार रखते हैं मैं इस पिक्चर के द्वारा आपको दिखा रहा हूं। Excuse me, sir. ए नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्ट एरिया, ए वाटर, ए नॉर्थ टू नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्ट, ए विंड और मिडिल पोर्शन ऑफ द हाउस, ए ईथर या आकाश तत्व और साउथ वेस्ट ये एरिया, ए पृथ्वी या अर्थ और ईस्ट टू साउथ ईस्ट एरिया या अग्नि फायर। ये पांच तत्व जो है ये पांच तत्व का जो स्थान है ये पूरे हमारे स्थितियों को कंट्रोल करते हैं। पूरे हमारे वास्तु जहां भी रिसाइड जहां हम निवास करते हैं इस पे पूरी तरह इनकी अधिकार बनी रहती है। इन पांच तत्वों को जो है हम एक एक कर स्टेप बाय स्टेप देखने का प्रयास करेंगे कि पांच तत्व कैसे हमें उससे हम प्रभावित होते हैं, ये कैसे हमें आगे ले जाने में मददगार होता है। द बिल्डिंग मटेरियल ऑफ ए हाउस आर ऑल्सो मेड ऑफ दिस फाइव एलिमेंट्स। जो बिल्डिंग की जो मटेरियल भी होती है पांच बेसिक तत्वों से बनाई जाती है। इफ दिस मटेरियल्स आर नॉट इन प्रॉपर बैलेंस देन दे विल एडवर्सली अफेक्ट द पीपल हु लिव इन द हाउस। जो घर में निवास करते हैं अगर ये पांच तत्वों में कहीं समानुपातिक समिश्रण नहीं रहती है तो उसमें निवास करने वाले को भी तरह तरह की परेशानियों की सामना होते देखी गई है या करते देखा जाता है। तो फेस देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस प्रॉब्लम्स क्या होती है विद द रिजल्ट दे विल फेस मेंटल स्पिरिचुअल सोशल एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सोशल रूप से, आर्थिक रूप से उनकी समस्याओं की सामना होते देखी गई है। इसलिए पांच तत्वों का इम्पोर्टेंस वास्तु में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। Hence for leading happy life, a good balance of panch mahabhutatmak tattva is essential. अच्छे जीवन के लिए, अच्छे सुख शांति के लिए, prosperity के लिए इस पांच तत्वों का सही सम्मिश्रण होना अपने घरों में आवश्यक है। इसमें कहीं से इम्बैलेंस होना, कहीं से असंतुलित होना, वास्तु की जब डेफिनेशन पे पूछता है तो कहा जाता है कि पंच महाभूतात्मक तत्वों का सही सम्मिश्रण कर मकान बनाने से बायो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एनर्जी की उत्पत्ति होती है। बायो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एनर्जी की उत्पत्ति होती है जिससे मनुष्य सुख शांति पूर्वक अपने जीवन का निर्वहन करता है। ये पांच तत्व क्या क्या है, कैसे हमें प्रभावित करते हैं इस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं कर रहे हैं। और इथर स्पेस आकाश तत्व, इथर स्पेस आकाश तत्व, स्पेस इज द एलिमेंट ऑफ नेचर विच इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड। स्पेस इज एंडलेस एंड स्प्रेड ऑफ द इटर्न। अगर आकाश तत्व नहीं होता तो हमारी आवाज आप तक नहीं जाती। ये आकाश तत्व का ही दिन है और आकाश तत्व के कारण ही हमारी आवाज आप तक जा रही है। ग्रेविटेशनल फोर्सेज
मैग्नेटिक फोर्सेज, रेडियो एक्टिव इनर्जी रेज, इंफ्रारेज, अल्ट्रावायलेट रेज, लाइट रेज एंड रेज कमिंग फ्रॉम द प्लैनेट्स आर ऑल प्रेजेंट इन स्पेस। इस सारा कुछ हमारे स्पेस में ही है, चाहे अल्ट्रावायलेट रेज हो, इंफ्रारेड हो, ग्रेविटेशनल फोर्सेस की जो प्रभाव है, इंफ्रारेड की जो प्रभाव है, मैग्नेटिक फील्ड की जो प्रभाव है, इशारा स्पेस में ही है। आकाश तत्व में शून्य और ब्रह्मांड के कारण ही ये आवाज एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वैक्यूम ऑफ द स्पेस मीडियम ऑफ द एनवायरनमेंट एंड एयर। ए हाउस या बिल्डिंग एक्वायर्स इट्स एलिमेंट्स ऑफ इथर इन प्रोपोर्शन इन द हाइट ऑफ इट्स वॉल। जिस घरों में आकाश तत्व की कमी रहती है वहां पे मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। क्या होता है? मानसिक डेवलपमेंट, मेंटल पीस, हार्मोनियस जो डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी इज नॉट वेरी वेल एडवांस। निर्णय लेने की क्षमताएं वहां पे अच्छी नहीं होती है। आप कहीं जाते हो, टेम्पल में जाते हो, गुरुद्वारा में जाते हो, मस्जिद में जाते हो, तो आप देखते होंगे आकाश तत्व उनकी काफी खुली रहती, काफी ऊंची रहती है, वो बीच का स्थान काफी ऊंचा रहता है, ऐसे बना रहता है ताकि पूर्ण रूप से आकाश तत्व की प्राप्ति वहां पे हो सके। वॉल्स ऑफ हाउस आर लो इन हाइट। यदि उनकी वाल को हाइट को लो कर दी जाए वहां पे सफोकेशन महसूस होने लगता है, दम घुटने लगता है, निर्णय लेने में दिक्कतें होने लगती है। फीलिंग ऑफ सफोकेशन ड्यू टू लैक ऑफ इथर एलिमेंट्स। जहां पे इथर एलिमेंट्स की कमी है वहां पे सफोकेशन होने लगता है, वहां पे निर्णय लेने की क्षमताओं में कमी हो जाती है। In such a situation, ether element does not develop fully in the body, और हमारे पूरे शरीर में तो अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दे पाते। ether element का प्रभाव हमारे बॉडी में कहाँ है? मेंटल पे, ब्रेन पे है। हमारा उस समय ब्रेन अच्छे तरीके से काम नहीं करता है, निर्णय नहीं, डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी इज नॉट वेल, अच्छी नहीं बन पाती है एडवांस जितना की होनी चाहिए। Therefore, we should construct the house in such a way so as to get maximum benefit of the visible and invisible energy of the nature. हमें अपने मकानों किस तरह बनानी चाहिए कि दृश्य या अदृश्य रूप में आकाश तत्व की उपलब्धता अधिक से अधिक बनी रहे, आकाश तत्व अधिक से अधिक हो, इथर एलिमेंट्स का अधिक से अधिक वहां पे प्रभाव हो, तो क्या फायदा होगा? हार्मोनियस रिलेशनशिप होगी, डेवलपमेंट होगा, मेंटल पीस होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो पाएगी। इसलिए आकाश एलिमेंट्स का अच्छा होना, हम कहीं भी जाते हैं, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में जाते हैं तो हम शांति महसूस करते हैं, पीस होती है। क्यों होता है? क्योंकि पर्याप्त मात्रा में इथर एलिमेंट वहां पे मिलता है, आकाश तत्व की प्रचुरता बनी रहती है, अवेलेबिलिटी पूरी तरह बनी रहती है, एबंडेंस ऑफ इथरनल एलिमेंट्स मतलब उसकी पूरी प्रचुरता बनी रहती है, इसलिए वहां पे हमें शांति मिलती है, वहां पे हमें आत्मिक अनुभूति अच्छी होती है, मानसिक शांति होती है। किसी भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा मस्जिद में इस चीज की पूर्ण रूप से ख्याल रखी गई है, ईथर एलिमेंट की एडिक्वेट अवेलेबिलिटी वहां पे बना के रखी जाए। इसी को तो वास्तु कहते हैं, जहां वीर शेड जहां हम निवास करते हैं, प्रकृति के साथ कैसे सामंजस्य स्थापित करना है, प्रकृति के साथ कैसे एडजस्ट करके अपने बिल्डिंग को, अपने भवन को, अपने रेसिडेंशियल यूनिट, अपने कॉमर्शियल यूनिट, ऑफिशियल, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल यूनिट को कैसे व्यवस्थित करनी है, इसी रहस्य को
समझना इस वास्तु में हम समझने का प्रयास करते हैं. In such a situation, ether element does not develop fully in the body. अगर वहां पे ether element की कमी है तो हमारे शरीर में भी उसका पूर्णतः डेवलप नहीं होता है. ड्यू टू हम मानसिक अशांति के दौर से गुजरते हैं. मेंटल हारमोनियस रिलेशनशिप इज नॉट वेरी वेल. हमारे मानसिक स्थिति अच्छी पूरी तरह की तरीके से नहीं रह पाती है. इस तरह इथर जो एलिमेंट है आकाश तत्व का अच्छा होना बढ़िया होना हमारे शारीरिक विकास के साथ मानसिक प्रबुद्धता के साथ हमारे थंब का इंप्रेशन में भी आकाश तत्व को देखा जाता है. क्रियोमेंसी साइंसेज में जब पामिस्ट का जब आप अध्ययन करेंगे तो उसमें आकाश तत्व के बारे में बताई जाती है कि आकाश तत्व है. इससे नेचर पता लगता है इमोशन पता लगता है कैरेक्टर और रिजिडनेस पता लगता है. तो आकाश तत्व का अच्छा होना घर में अच्छा रखना हमारे लिए हमारे उस भवन के लिए उसमें निवास करने वाले के लिए ये बहुत अच्छा है. और इसका अच्छा रखना ही हमारी परम कर्तव्य बनती है. एयर वायु नॉर्थ टू नॉर्थ वेस्ट एरिया नॉर्थ वेस्ट एरिया जो वायु का एरिया है प्लांट्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट देयर लाइफ फ्रॉम एयर. वायु के बिना जीवन नहीं है. प्राण वायु है तो हमारी जीवन है. ये रेगुलेट्स करता है हमारे जीवन को मेंटेन करता है हमारे बॉडी की स्थिति को हमारे शारीरिक स्थिति को. इन्हें सिमिलर मैनर में देखा जाए इसके सामान्य रूप से इसके जब अध्ययन करी जाए तो रेगुलेट्स करता है मेंटेन करता है हेल्दी एटमॉस्फेयर को. जिस बिल्डिंग में वायु तत्व की कमी होती है लैक ऑफ एयर एलिमेंट वहां पे जीवन कठिन हो जाता है मुश्किल हो जाती है. द अर्थ इज कवर्ड बाई ए लेयर ऑफ गैसेज. द कवरिंग ऑफ गैसेज इज नॉन एज एटमोस्फियर. द एटमोस्फियर इज मेड ऑफ ए डिफरेंट गैसेज इन डिफरेंट प्रपोर्शन. 78% of the Earth's atmosphere is made up of nitrogen. Nitrogen जो है 78% है पौधे के विकास के लिए पेड़ पौधे की गतिशील विकास के लिए अच्छे पैदावार के लिए उसकी जरूरत है. Which is necessary for the growth of all vegetables items. 21% of that atmosphere is made up of oxygen, which is essential for life. जो 21% जो ऑक्सीजन है जो वायु है जो प्राण तत्व है वो ऑक्सीजन है जो हमारे जीवन के लिए उसकी एक आवश्यकता है. इसे प्राण वायु कहा जाता है. कहा जाता है कि जिसमें प्राण वायु कम हो जाए आपकी गतियां मंद हो जाती है आपका शरीर निस्तेज हो जाता है आपकी स्थिति मृत प्राय हो जाते हैं. इट मेक्स अप अबाउट वन एक करीब करीब पांचवा हिस्सा है अपने एटमॉस्फेयर में. द अदर प्लैनेट्स दूसरे जगह ग्रहों पे पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पे वायु है ऑक्सीजन है बाकी दूसरे जगहों पे वो नहीं है इसलिए वहां पे जीवन भी नहीं है. पृथ्वी पे जीवन है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है प्राण वायु है. कार्बन इज प्रेजेंट इन ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ 0.03% इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड CO एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज 0.93% ऑफ ऑर्गन 0.01% of hydrogen and 0.01% of the other gases present in the atmosphere. इस
प्राणवायु की जो ऑक्सीजन की जो उपलब्धता है, कंसंट्रेशन ऑफ द हैवियर एंड एसेंशियल गैसेज इज ओनली अप टू अबाउट 5 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। ये 5 किलोमीटर तक उसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा दिखाई पड़ती है, एट अबाउट 60 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ, और 5 से 60 किलोमीटर तक होता है, ज्यादा ये दिखाई पड़ता है। उसके बाद वहीं पे कहा जाता है कि जो 60 किलोमीटर तक का जो एरिया है, जो ऑक्सीजन की जो परतें होती है मोटी होकर के लेयर जो है अल्ट्रावायलेट रेज को फिल्टर करके हमारे पृथ्वी पर भेजता है, लेयर ऑफ ओजोन इज मोस्ट डेंस अबाउट द हाइट ऑफ 23rd किलोमीटर, जिसे ओजोन कहते हैं। 23 किलोमीटर तक उसकी लेयर जो होती है बहुत मोटी होती है, 16 से 23rd किलोमीटर तक। द ओजोन लेयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन। ए अर्थ पे हार्मफुल रेडिएशन जो ऊपर से जो चल रही है उसको फिल्टर करने में, रोकने में ओजोन लेयर का बहुत बड़ा महत्व है। वर्तमान समय में आप सुन रहे होंगे कि पर्यावरण का इंबैलेंस हो रहा है, पर्यावरण असंतुलित हो रही है, हमारा ओजोन का लेयर पतला हो रहा है, जिससे ताप पृथ्वी पर टेम्परेचर बढ़ रही है, ग्लेशियर पिघल रही है, समुद्र का किनारे का ईचा नीचे का हिस्सा डूबते जा रहा है। ओजन का लेयर जो है जो O3 से बना है, दैट इज इंपॉर्टेंट लेयर है जो 23 किलोमीटर तक होता है। इफ द ओजन लेयर गेट्स डिप्लीटेड एट डैमेज, या जिस समय डैमेज होता है, देन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ विल राइज ट्रेमेंडेसली एंड अर्थ विल फेस द फियर ऑफ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। इस तरह ओजोन का जो लेयर है 16 से 23 किलोमीटर तक जो इसकी अपनी गतियां हैं, इसको पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए इसकी बहुत बड़ी स्थान है। द स्टार्ट हम किसी भी की जीवन के लिए इस ऑक्सीजन अपने घरों में O3 जो ऑक्सीजन की जो मात्रा है, प्राणवायु है जो 21% का हिस्सा है, इसका सही ओरिएंटेशन रखना है। कहा जाता है कि जिस घरों में नॉर्थ ईस्ट जो आपने देखा, नॉर्थ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट तक, जहां पे सुबह की प्रातःकालीन किरणों के साथ वायु की प्रवेश होती है, वहां पे वो घर बीमारियों से फ्री फ्रॉम रहता है, तो बीमारियों से बचा हुआ रहता है। वहां के लोग हेल्दी होते हैं, वहां के लोग साउंड माइंड के होते हैं, और वहां पे विकास अच्छे तरीके से देखी जाती है। जहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड इज हार्मफुल फॉर अस, हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, एंड सो वी शुड नॉट स्लीप नियर द ट्रीज एट नाइट। रात में पेड़ों से जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, इसलिए हमें रात में पेड़ के नजदीक सोने से भी मना करी जाती है। इसका एक साइंटिफिक कारण है, यू नहीं हमें बताया गया है। अपने घरों को बनाने में इस प्राणवायु जिसका हिस्सा 21% है, उसको कैसे उसकी सही ओरिएंटेशन करनी है, कैसे सही ढंग से उसको अपने व्यवस्थित करके रखनी है, इसे हमें पूर्ण रूप से अपने घरों में बनाने वक्त, उसके डिजाइन करने वक्त, उसके ड्राइंग करने वक्त, इसकी पूर्णता हमें ध्यान रख करके इसके निर्माण करनी है। तीसरा जो एलिमेंट है हमारा, जो फायर एलिमेंट है, दैट इज इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ये भी
फायर एलिमेंट, जिसका जो पोर्शन है ईस्ट टू साउथ ईस्ट, साउथ पोर्शन। इसका जो मेन सोर्स है सूरज है, सन है। सोलर एनर्जी गिव्स अप आवर हीट एंड लाइट। सोलर एनर्जी के द्वारा, सन की एनर्जी के द्वारा ही हमें हीट टेम्परेचर और ताप और लाइट प्रकाश की व्यवस्था मिलती है। हीट बेसिकली इज ए फॉर्म ऑफ फायर। द अर्थ रोटेट्स ऑन द अर्थ की रोटेशन जो होती है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ होती है, और वह सूर्य के चारों ओर घूमता है अपने एक्सिस पे। द अर्थ रोटेट्स ऑन द इट्स एक्सिस एंड आल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन। दीज मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ आर द रीजन फॉर डे एंड नाइट एंड द फॉर्मेशन ऑफ सीजन्स। पृथ्वी के जो घूमने की जो गतियां हैं उसी के हिसाब से दिन और रात होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, सूर्य के चारों चक्कर लगाता है, जिससे सीजन की परिवर्तन होती है, सीजन आता है, ऋतु आती है। दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइव क्लास हेल्ड। यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स ऑनलाइन विद ऑल लाइव क्लासेस। वीडियोस ऑफ ईच क्लास विल ऑल्सो बी सेंड टू यू। कॉन्टेक्ट Mrs. Abha Bansal, 9350508001.